बहुत बहुत इधर बहुत भजन कीर्तन हो रहा है, तमिलनाडु से ढोल बजाने वाले आए हैं, ये सुन रहे हैं आप। और मेरे साथ अनुपम खेर है और विशेष वेशभूषा में है। अनुपम का आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर अभिनंदन है, इस समय आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। आपने कश्मीरी वस्त्र पहने हुए हैं, भगवा ऊपर पगड़ी बांधी हुई है, क्या कारण है इसका? कश्मीरी वेशभूषा में आया हूँ, लाखों कश्मीरी नहीं आ पाए, रिप्रेजेंट करना चाहता था। और बहुत बड़ी बात है, हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। जैकी श्रॉफ वहां मौजूद, सब तमाम हस्तियां वहां पहुंच चुकी हैं शिवानी, और लोग अब सब शायद सब बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री बस किसी भी पल श्री राम जन्मभूमि पहुंचने वाले हैं, अयोध्या वो पहुंच चुके हैं जी, अयोध्या में लैंड कर चुके हैं। लेकिन किशोर भाई, मैं ये सोच रही थी कि क्या प्रधानमंत्री थोड़ा छोटा सा रोड शो भी करेंगे राम पथ पे आते आते? सीधा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर वो मंदिर में शायद जो एक घंटा है उसमें वो उन श्रमिकों से मिलने वाले हैं। हाँ, श्रमिकों से मिलेंगे, लेकिन जो रास्ता वो लेंगे राम पथ, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सजावट की गई है। मैंने भी कल जाके देखा था, वहाँ पे बहुत सजावट की गई है भक्ति पथ और रामपथ में, वहाँ पे एक वीआईपी एरिया भी है। लेकिन थोड़ा बहुत शायद वो चल ले सड़कों पे और लोगों को थोड़ा सा देख ले, क्योंकि बहुत बहुत भाव है लोगों में और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं अयोध्या के चौराहों पे। किशोर, आपने भी देखा है कितनी भीड़ है, लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है लेकिन वो पूरे देश से आ गए हैं और वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अयोध्या तो में क्या हो रहा है। जो इतना सिक्योरिटी के बावजूद आए, जी जी जी, सिक्योरिटी ना होती तो सोचिए, सिक्योरिटी ना होती या लोगों को जो मना ना किया होता कि आप ना आइए, अभी मत आइए, अभी आप 22 जनवरी के दिन अपने घरों में या अपने जहाँ जहाँ आपके पास में मंदिर है वहाँ पर पूजा कीजिए और उसके बाद आइएगा, तब भी काफी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अयोध्यावासी तो हैं। आप बोल रहे थे कि 10:55 पे शायद वो मंदिर परिसर पे पहुँचेंगे, थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे क्योंकि अयोध्या में उनका हेलीकॉप्टर आ गया है। उसके बाद एक घंटा है 12 बजे तक, क्या करेंगे प्रधानमंत्री? थोड़े थोड़ा आइडिया हमें मिल रहा है, हो सकता है वो श्रमजीवियों से इस एक घंटे में मिले, हो सकता है वो मंदिर परिसर में थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने वाले नहीं पता। देखिए, ये बच्चे आए हैं स्कूल के, स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उधर दीपोत्सव की तैयारी है शाम की, ये सब दीप जो हैं जी, ये आज रात को दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये जो राम की पैड़ी का जो इलाका है वो बहुत फेमस हो गया है किशोर, दीपोत्सव के लिए दिए वगैरह लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को भी कि दिए लगाए जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे आए हैं और ये भी कुछ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे आज जी। और दिए जो हैं हम दिवाली पे देखते हैं लगते हुए, अब 22 जनवरी एक नई दिवाली की तारीख हो गई है क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, नया विग्रह जो है वो विराजमान होने वाले हैं गर्भगृह में, भव्य राम मंदिर में। तो ये पूरे दीपोत्सव की तैयारी आप देख रहे हैं, लगातार वहाँ ढेर पड़े हुए हैं अभी दियों के और ये शाम तक पूरे सजा लिए जाएंगे। और फिर ये जो शाम है, आज की अयोध्या की शाम है, वो भी देखने वाली होगी। आज अयोध्या की सुबह सबको इंतजार था, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जो शाम होगी वो इन दियों से जगमगाएगी पूरी अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से जो आमंत्रित लोग हैं वो अब मंदिर परिसर में बैठ गए हैं, लेकिन हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, बच्चे आए हुए हैं स्कूल से जो दीपोत्सव के लिए दीप अभी लगा रहे हैं, पंक्तियों में लगा रहे हैं और उसके बाद इनमें तेल भरा जाएगा और इनको जलाया जाएगा। ये दीपोत्सव हमने पहले भी देखा है, योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब से यहाँ दीपोत्सव हो रहा है, तब मंदिर का जजमेंट भी नहीं आया था जी। मंदिर के जजमेंट से पहले से ये हो रहा है और ऑफकोर्स मंदिर के जजमेंट के बाद तो बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ बनाए जाते हैं किशोर, और ड्रोन्स के द्वारा आसमान में भी दृश्य बनाए जाते हैं और सब बिना फायरवर्क्स के होता है, बहुत ही क्लीन तरीके से होता है जी। हाँ, ये हो रहा है सरयू के तट पर यहाँ राम की पैड़ी में, और पूरा पूरा जो ये अयोध्या धाम, जिसे अब अयोध्या धाम कहा जा रहा है, इसका पूरी जो एक तरह से आप देखेंगे, ये जिस तरीके से रंग जो है सब बिल्डिंग्स के, सब वो एक ही तरीके के कर दिए गए हैं, ये एक बिल्कुल अलौकिक दृश्य हो गया है। जैसे ही आप राम की पैड़ी पे पहुंचते हैं या पूरे अयोध्या में राम पथ से आते हैं, धर्म पथ से आते हैं, और
ये मेहमान भी, सब मेहमान भी ये सब देख कर जाहिर सी बात है उनको भी हर्ष हो रहा होगा कि वो उनको इस अयोध्या नगरी में निमंत्रण मिला जो बिल्कुल ही जिसका बिल अपने आप में पूरी बदल सी गई है, पूरी बदल गई है बिल्कुल। जितनी भी यहाँ पे दुकानें थी, एक तो बहुत सारी जो सड़कें हैं उनको बड़ा किया गया है और जितनी भी दुकानें थी उनको बाहर से एक ही रूप दिया गया है। सबकी दुकानों में एक हल्का पीला कलर किया गया है और सब दुकानों में सेम डिजाइन बनाया गया है, तो बाहर से दूर से बहुत सुंदर लगती हैं वो गलियां जो पहले बहुत संकरित गलियां थी और पहले ड्रेनेज नहीं था, जो नाली का जो प्रस्ताव था वो नहीं था, वो नई नई बनाई गई है। तो बहुत काम हुआ है लेकिन काम अभी बाकी है, जिसे कहते ना पिक्चर बाकी है, वैसे ही अयोध्या में काम अभी बहुत बाकी है। खैर अब बस इंतजार प्रधानमंत्री का समारोह स्थल पे, और प्रधानमंत्री बस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अयोध्या तो वो पहुंच ही चुके हैं समारोह।